हाँ जी, एक वीडियो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं जिसमें आप लोगों ने 27 जनवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखा। तो अब हम सेकंड शिफ्ट, और आज 28 है, एक पेपर और भी चल रहा है पैरेलल में, तो वो इवनिंग तक मैं आपको रिलीज कर दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं चार इंस्टीट्यूट्स जिनके स्टूडेंट्स ने मिलकर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अपने इंस्टीट्यूट में दिए, उन्होंने उस बेस पे पेपर बनाया। वही सेकंड शिफ्ट को अब हम यहां एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मैं मनोज कुमार बंसल फ्रॉम केमिस्ट्री वाले सर, तो चलिए शुरू करते हैं। ना देखो भाई, इसमें जो डिस्कशन है, द क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर, एक बिल्कुल सिंपल सा परमानेंट क्वेश्चन चला आ रहा है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं, एक है एफ, एक है एम, एक है एस, ठीक है जी। एम एन एफ, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मलिटी, ये सारा के सारा टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो उसने कहा जी चेंज विद, तो क्या ये मोल फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये मास परसेंटेज है? जहां जहां मास है वो नहीं है। क्या ये मोलैरिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन है भाई? मोलैरिटी है जो टेम्परेचर से अफेक्ट हो रही है, और फेवरेट क्वेश्चन है ये नीट वालों का भी। लो जी, इनमें से कौन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव कर रहा है? सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, सॉल्यूशन चैप्टर से था। यहां जो मेरे पास आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +5 की तरफ जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता? तो जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में पड़ा हुआ है। बड़ा सिंपल फंडा है बच्चे, अगर कोई एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स चैप्टर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में पड़ा हो, तो वो ओनली एंड ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मिनिमम में पड़ा हो तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भाई साहब यहां मिनिमम में, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। चलो नेक्स्ट टारगेट, अच्छा क्वेश्चन है, ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। यहां आपको एक साइक्लोहेक्साइल दिखेगा, यहां टर्शियरी ब्यूटाइल दिखेगा, ओ दिखेगा, एच आई दिखेगा, और कोल्ड कंडीशन दिखेंगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी हरकतों से आप अच्छी तरह से नोन हो, ये एच प्लस आई माइनस देता है, इस एच प्लस का अटैक यहां होएगा। जब आप मेरे नोट्स चेक करोगे एल्कोहल फिनोल ईथर वाले, तो उन एल्कोहल फिनोल ईथर के नोट्स में मैंने साफ साफ लिखवा रखा आप लोगों को कि जब कभी टर्शरी ब्यूटाइल आ जाए या फिर अलाइल आ जाए या फिर बेंजाइल आ जाए, तो रिएक्शन हमेशा SN1 मैकेनिज्म से हमें चलानी है। तो यहां मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल हुआ, जब यहां प्रोटोन का अटैक हो जाएगा तब टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्टाइन से हमें टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड साथ में मिलने वाला है साइक्लोहेक्सिनोल। कुछ पेपर जो मैं चितन्या का या वेदांतु का या फिर जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं रिलायबल टाइप से, उनका मैं देख पा रहा था, वहां हल्का फुल्का इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रखा। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैंने आपसे कहा था जब तक NTA रिलीज नहीं करता तब तक हम सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं कि पेपर कैसे आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑप्शन आप चूज करोगे वो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड के साथ में साइक्लोहेक्सिनोल चूज करने वाले हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच D2SP3 हाइब्रिडेशन इज शोन बाय द सेंट्रल एटम। तो ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाकर लाए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक हुई बात। और मुझे चाहिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मुझे चाहिए वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अब इसकी बात करें, मैंने आपको इसका तरीका बता रखा है। सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट डिवाइडेड बाय टू, इसका जो हाइब्रिड स्टेट होएगा वो sp3 d2 होएगा। इसकी बात कर लें sp3 d2 होएगा, ठीक है जी। यह चेक कर लेते हैं जी, कोबाल्ट +3 में है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, 3d6 4s0 हो गया। अमोनिया एक पावरफुल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब भी आप CFT पढ़ते हुए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हुए काम करते हो, तो होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है,
स्प्लिटिंग हो चुकी है. स्प्लिटिंग होने के बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, तो ये वाले ऑर्बिटल मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे. तो आंसर आ जाएगा इसका D2sp3, ठीक हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और मैं एक ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो ट्रिक क्या थी, जब भी कभी प्लेटिनम प्लस टू में हो फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती है. तो जब भी प्लेटिनम को प्लस टू में देखो, लिगेंड उसके साथ में चाहे क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, वाटर हो या अमोनिया क्लोरिन हो, कोई भी हो, आपने हमेशा आंसर DSP2 ही लिखकर आना है. और वैसे भी फोर कोऑर्डिनेशन में D2sp3 अब बोल ही नहीं सकते हैं. चलिए अब हम पांचवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, यानी पॉजिटिव टेस्ट देना है. अगेन ये POC का क्वेश्चन हुआ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर आपसे कह रहा हूं ट्रेलर है ये सब, इन ट्रेलर्स को नीट वाले जरूर देख लें. 5 मई को बात करने में आसानी होगी और केमिस्ट्री वाले सर से जुड़े रहिएगा. आपको ऐसी हर अपडेट सब समय पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. पॉजिटिव तो ल्यूकास टेस्ट तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने का तरीका जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक मेरे साथ पढ़ी उनको पता है. कार्बाइल अमाइन टेस्ट अभी अमाइन चैप्टर में आएगा, ये प्राइमरी अमाइंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही टेस्ट है कार्बाइल अमाइंस का. टोलिन टेस्ट एल्डिहाइड को और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका है. तो बचा कौन, थैलीन टेस्ट. थैलीन टेस्ट क्या है सर ये तो बता दो. बिल्कुल बता देते हैं जी, थैलीन टेस्ट क्या है. इसमें आपने करना क्या है, आपने फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट करना है. तो इससे आपके पास फिनोल्फथलीन बनता है. जो फिनोल्फथलीन बनता है वो एसिड बेस इंडिकेटर है. जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो एसिडिक कंडीशंस में कलरलेस और बेसिक कंडीशंस में ये भाई साहब आपको कलर देते हैं, पिंक कलर, ठीक है जी. तो ये थैलीन टेस्ट इसका कंफर्मेटिव टेस्ट हुआ. फिनोल ऑन हीटिंग विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स अ कलरलेस कंडेंसेशन कंपाउंड कॉल्ड द फिनोल्फथलीन, कॉल्ड द फिनोल्फथलीन. और फिनोल्फथलीन जो है वो मैंने आपको बता दिया क्या हरकत कर रहा है. ये लो जी बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आ गया. ये आपसे डिस्कस कर रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में है जो डीनेचुरेशन में नहीं बिगड़ता. विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंटेक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन द बॉइलिंग. तो सीधी बात, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, इन स्ट्रक्चर्स पे डेंट लगता है, ये डिस्टोर्ट होंगे, ये बिगड़ेंगे, क्लियर है. लेकिन जिस स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी चेंज, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो प्रोटीन का जो करेक्टरिस्टिक है वो खत्म हो जाएगा. और प्रोटीन का करेक्टरिस्टिक खत्म होना इसका मतलब प्रोटीन को आप यूज नहीं कर सकते. आप अंडा खा रहे हैं इसलिए खा रहे हैं कि आप उसके अंदर वो जो प्रोटीन ओरिजिनल है उसका उसका बेनिफिट हो. अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया तो फिर प्रोटीन्स का ओरिजिनल करेक्टर क्या होएगा, खत्म हो जाएगा. इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन ऑफ प्रोटीन मेंटेन रहता है. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलॉगी इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. कई बार इन क्वेश्चन को देख के मुझे शक होने लगता है कि सच में ये क्वेश्चन आए थे. क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आए थे तो पेपर भाई बहुत आसान था. तो फॉर्मिक एसिड हमारा पहला कंपाउंड है, ठीक है जी. और उसी सीरीज में एसिटिक एसिड दूसरा कंपाउंड है. इसलिए मैंने 4 इंस्टीट्यूट्स के पेपर को टारगेट पे रखा और इन 4 इंस्टीट्यूट में रिलायबल से लेकर, आकाश से लेकर, वेदांतु से लेकर और इधर मेरे पास चैतन्य. तो कम से कम मुझे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी डायरेक्शन के फैकल्टीज और उनसे जुड़े हुए बच्चों के व्यूज पता चल गए. इसीलिए इस पेपर की इंपॉर्टेंस, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस हाई लेवल पे चली गई है. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलॉगी इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर तो ये होएगा, दूसरा मेंबर आपके पास एसिटिक एसिड होएगा. दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, फर्स्ट आएगा. तभी मैं कह रहा हूं इतनी आसान क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे शक होता है. नाउ अब अगर आप थोड़ा सा पिछला वीडियो देख चुके हैं, उस पिछले वीडियो में आपसे मैंने डिस्कस किया था कि वहां SN1 का जो करेक्टरिस्टिक था रिटेंशन, हाँ, रेसिमिजेशन, उस पे बात कर रखी थी. तो उन्होंने कहा नॉट गिव. तो भाई साहब देखो
ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया, यहां से सेपरेट आउट हो सकता है, ऐसे ये भी सेपरेट आउट हो सकता है क्योंकि बेंजाइल बनेगा, ये अलाइल बनेगा। अगर आपने मेरी क्लासे लगाई है तो आप इसको इजीली सीख सकते हैं। ये टर्शियरी ब्यूटाइल पे तो बच्चे और टीचर्स दोनों बात करते करते, यहां क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इस बॉन्ड का बॉन्ड फिशन डिफिकल्ट हो गया, ये विनाइलिक बन गया है, बॉन्ड फिशन डिफिकल्ट हो गया, ये हमारे पास विनाइलिक स्ट्रक्चर बन गया। और जो विनाइलिक स्ट्रक्चर है बच्चे, वहां पर इस टाइप की रिएक्शंस SN1 को हम अवॉइड करते हैं। तो चारों में से जिसको हम रिजेक्ट करेंगे वो होएगा थर्ड ऑप्शन ड्यू टू विनाइलिक। अगर आप पेपर में अपीयर हुए थे तो आपको बात समझ में आ रही होगी। लो जी, अगला क्वेश्चन भी ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट से है या पीरियोडिक टेबल से है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, कहीं से मान लो भाई क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने आपसे पूछा भाई D10 कॉन्फिगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट। तो इधर मैं आपको सेकंड बी और फर्स्ट बी के मेंबर्स लिख के देता हूं। यह कोइनेस मेटल है कॉपर, यहां लिखा हुआ Ag, यहां लिखा हुआ Au, इन सबका जो कॉन्फिगरेशन है N-1 D10 NS1 है, सारे के सारे एक्सेप्शनल केस है। और इधर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D10 NS2 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट, तो जैसे कॉपर हुआ इन विच ऑल हैव, यहां भी D10 है, यहां भी D10 है, कैडमियम में भी D10 है और Ag में भी D10 है, तो पहला ऑप्शन मुझे ठीक लगा। यहां निकल फंसेगा और यहां स्कैंडियम आयरन टाइटेनियम फंसेंगे, यहां क्रोमियम कोबाल्ट निकल आयरन सारे फंसेंगे। अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इन विच ऑल हैव नॉट द D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो सीधी सी बात है फोर्थ आंसर आ जाता, लेकिन क्वेश्चन है हैव, तो पहला आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा, ठीक है जी। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनिक स्ट्रक्चर, तभी मैं कह रहा हूं आपको इतने आसान क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन कि बच्चों को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इन सब के बड़े बड़े ग्रंथ भरवा देते हैं। तो ओरिजिनली क्या है अब देखें, तभी मैंने इस वीडियो का नाम रखा हुआ है ऑनेस्ट डिस्कशन, कि हम कहीं बच्चों को ज्यादा प्रेशर तो नहीं दे रहे, उनको सही में हम बच्चा रहने तो नहीं दे रहे कि बच्चा रह ही नहीं रहा, वो आइसोलेटेड हो गया दुनिया से। इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है जी। अब यहां इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस ऑक्सीजन की, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक हुआ। और यहां इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट हो गया, तो साफ सी बात है अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात करें तो पहला रूल क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होने चाहिए, मॉलिक्यूल न्यूट्रल, तो साफ सी बात है ये वाले ऑप्शन तो कट गए। अब पहला आंसर तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, अब सेकंड थर्ड भी जब लड़ाई हुई तो सेकंड रूल, अगर कोवलेंट बॉन्ड्स का नंबर सेम हो, वैसे कोवलेंट बॉन्ड का नंबर सेम नहीं है, उस बिहाफ पे भी ये भाई साहब स्टेबल हुए जा रहे हैं। कई बार बच्चों को लगता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, लेकिन प्राइमरली आपको नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करने हैं, प्राइमरली आपको नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करने हैं, और जिसके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आएगा 1, 2, 3, ठीक है जी। रेजोनेंस वाले वीडियो को देखें, उससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगी बात। चलिए अब हम 11वें क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन, अभी तक हमारे पास कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, जबकि हम 1/3 पेपर अब तक कर चुके हैं, 1/3 पेपर कर चुके हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है विनाइल बेंजीन, ठीक है जी, विनाइल बेंजीन। यहां आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओगे बच्चे तो होगा क्या, एंटी मार्कोवनी को एडिशन ऑफ वाटर होकर अल्कोहल बनेगा। अब इसमें एंटी मार्कोवनी को एडिशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एक इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है जो एंटी मार्कोवनी को प्रोडक्ट देता है, एंटी मार्कोवनी को प्रोडक्ट देता है। अब HBr लेकर आया, तो इसको हटाकर हम लोगों ने यहां क्या लगा दिया जी, Br लगा दिया। चलो जी अच्छी बात है, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया।
मैग्नीशियम, अब हम पेन का कलर फिर बदल देते हैं, इसको हटाकर हम लोगों ने अब इसको MgBr ग्रिगनार्ड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आपने ग्रिगनार्ड की हेल्प से प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन मेरी क्लास में सीखा हुआ है, तो मैंने बच्चों को एक सिंपल ट्रिक बता रखी है कि आप बेंजीन रिंग CH2CH2, इसमें CH2O जो फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कार्बन बढ़ाना, देन आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, ये फॉर्मेल्डिहाइड से आया, ये हाइड्रोलिसिस से आया। तो अगर मैं ढूंढना शुरू करूं, फिनाइल है, CH सेकेंडरी तो बनता ही नहीं है, ये प्राइमरी बना हुआ है, तो फिनाइल, ठीक है जी, CH यहां हम फंसेंगे, तो सीधे सीधे फिनाइल CH2CH2CH2CH2CH2OH। तो आंसर आपके पास कौन सा टिक होएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है जी। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा चीजों को जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जिसमें एल्कोहल की रिएक्शंस मान लें, एल्कोहल का प्रिपरेशन मान लें या एल्कीन की रिएक्शंस मान लें, ओके, OH का हटकर HBr आना, OH के हटकर Br का आना, ये एल्कोहल की रिएक्शन मान लें, फिर Br से Gr बनना, ये एल्काइलेट की रिएक्शन मान लें, फिर एल्कोहल का अगेन प्रिपरेशन मान लें। तो कई सारे रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन एक ही झटके में उसने दे दिया है। द टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल, ये तो IIT वालों को पता नहीं रात को सपने में दिखता है कि इस क्वेश्चन को तो डालना ही डालना है, क्लियर। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनोल्स जो है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनोल्स जो है, उसमें से जो ऑर्थो फॉर्म है बच्चे, वो स्टीम वोलेटाइल है। और मेरे प्यूरिफिकेशन चैप्टर में मैं हमेशा इस क्वेश्चन में IIT वालों को बोलता हूं कि ये क्वेश्चन IIT वालों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ऑर्थो इज स्टीम वोलेटाइल एंड वॉटर इनसोल्यूबल। तो वॉटर में इमिसिबल है लेकिन स्टीम में वोलेटाइल है, तो क्या उसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन बोले, सिंपल डिस्टिलेशन बोले, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर बोले, बिल्कुल नहीं, उसको बोलेंगे हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन। प्यूरिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन हुआ। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सीधे सीधे हमें किसके बारे में बात कर रहा, डेल्टा एच डेल्टा एस। और यहां मैं जब बच्चों को थर्मो पढ़ा रहा होता हूं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा होता हूं, तो साफ साफ बच्चों को बोलता हूं कि आपको इनकी यूनिट्स पे जरूर फोकस करना, फोकस ऑन द यूनिट्स। अगर यूनिट्स पे फोकस करना भूल गए तो वहीं आपका काम तमाम हो सकता है, ठीक है जी। तो डेल्टा जी ठीक हुआ, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर करना क्या था इसमें, उसने कहा हमें लोग 1/k निकालना है, जबकि मैं अगर चैतन्य वेदांतु और रिलायबल के पेपर पढ़ रहा था तो वहां लोग k पूछा हुआ है, तो ज्यादा बोदर नहीं करते हम लोग, हम लोग 1/k निकाल लेते हैं, वहां जाकर लोग k निकाल लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डेल्टा एच आपके पास 77.2 किलो जूल है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं फोकस करना यूनिट पे। टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन है, सर आपको कैसे पता चला, स्टैंडर्ड कंडीशन थी, यहां टेम्परेचर 300 दे ही रखा है। डेल्टा एस आपके पास 48 जूल है, जूल मैं फिर कह रहा हूं यूनिट पे फोकस करना, बाय 1000 करके ये इससे कैंसल हो गया और यहां ये 4.8 आ गया। तो 77.2 में अगर मैं अप्रोक्सीमेट 15 घटा दूं, वैसे तो इन्होंने जो डेटा दिया है वो 12 and 8 3 24, ये आ गया आपके पास 14.4, तो यहां मैं 14.4 भी लिख लूंगा। तो जो मेरे पास डेल्टा जी आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, यहां मेरे पास जो फॉर्मूला है 2.303 RT है, लॉगरिथम ऑफ के है, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ये वैल्यू मेरे पास है, ये मेरे पास जूल में, ये टेम्परेचर मेरे पास है, तो लॉग के सीधा सीधा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। आकाश वालों ने लोग 1/k पूछा हुआ है क्योंकि बच्चे ने ऐसा ही बताया हुआ टीचर्स को, ठीक है ना। और यहां जो आगे मैं क्वेश्चन करूंगा, पहले इसका सॉल्यूशन देख लो, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सब सोल्व करके 77.2 में से 14.4 घटाया, ये आ गया। उसके बाद इस फॉर्मूले को लगाया, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT लॉग के, अब इसका लॉग के निकलने बाद उसको 1/k सोल्व करवा रहा है। तो जैसा भी होगा, बच्चे ने फिर उसके ऑप्शन भी वैसे ही अरेंज किए होंगे, इसकी खबर मुझे भी नहीं है, और जिस फैकल्टी ने बच्चे से इसको लेकर यहां लिखा है उसको भी बेचारे को इस बात की खबर नहीं है। NTA के पेपर जब तक नहीं आते 11/5/1500
तो सोल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 1/k log 1/k। तो जैसे ही आपके पास माइनस के लोग के निकला उसको एंटीलोग लिया आपने, फिर उसके बाद लोग 1/k निकाल लिया, एंटीलोग भी लेने की नीड नहीं क्योंकि लोग 1/k ही तो निकालना है आपको, रिवर्स ही तो करना। ये एब्लॉक का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो अगर मुझे स्टेटमेंट करेक्ट में देखना है तो मुझे सीरियम प्लस फोर से सीरियम प्लस थ्री का इनोट याद आ रहा है, सीरियम प्लस फोर से सीरियम, सीरियम प्लस फोर से सीरियम, सीरियम प्लस फोर से सीरियम प्लस थ्री का इनोट याद आ रहा है, वो प्लस में 1.74 वोल्ट है और वहां साफ लिखा हुआ है इट इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज एज द एनालिटिक रिएजेंट, यूज एज द एनालिटिक रिएजेंट। तो सीरियम प्लस फोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक बात है, रिड्यूसिंग बिल्कुल गलत बात है। नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन सीरियम प्लस फोर का है, प्लस थ्री का नहीं है। स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता तो इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता वो। तो आंसर आपको फर्स्ट इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, हम बिल्कुल पेपर के 60-70% पार्ट पे आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां हमें एक इंस्ट्रक्शन दी है ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑलवेज -2 होता है, ये अपने आप में ब्लंडर है क्योंकि टॉपमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड्स में है, ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड्स में है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, अगर ये सुपर ऑक्साइड्स में है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है। तो पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल गलत बात, करेक्ट एंड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो साफ साफ बात है कि स्टेटमेंट वन फॉल्स है और सेकंड हमें पढ़ना है अभी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 फॉर प्लस 4 एंड प्लस 6 डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 क्या कर रहे हैं जी, प्लस 4 के लिए और प्लस 6 के लिए डिक्रीज कर रही है। जो हमारे पास ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम पोलोनियम की बात करें तो मैं बात करूं अगर हाई ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस 6 नीचे जाकर मिलने की चांस ही नहीं है, और प्लस 4 की बात करूं यहां तक तो ठीक है, यहां प्लस 4 भी मिलने के चांसेस लीस्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है वो तो फॉल्स हुआ, स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट हुआ। वैसे भी स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन था, देखकर आप वैसे ही समझ गए होंगे कहना क्या चाहता है आपको वो। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ एंट्री मारते, कंसिडर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। लगभग 50% से ऊपर का पेपर हमारा डन हो चुका है। देखो भाई, यहां जो आपके पास CH2 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 Cl है, यहां एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला गया है, यहां एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला गया है। तो रूल के अकॉर्डिंग भी तो ClCl को जाकर यहां NH2 NH2 आना था अगर दो मोल होते तो। तो अगर आप थोड़ा सा यहां झांके, क्लियर, ए पर NOH डाला है तो ए पर अगर NOH डाला है तो इसके अंदर उसने ऐसा कुछ तामझाम किया हुआ है कि जो ए बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अपना वीक बेस रिलीज करेगा। तो इस सॉल्यूशन को देख ले, देखो जी ClCl तो यहां CH2 CH2 तो कॉपी पेस्ट हो गया, यहां NH2Cl तो ये थोड़ा सा मुझे आकाश ने सॉल्यूशन दिया वो हल्का सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अगर मैं इस जगह पर ClCl हटाकर NH2 NH2 लगा दूं, एक्सेस ऑफ हमारे पास कौन है, अमोनिया है, तो जब ClCl होकर NH2 NH2 आया तो ये जो लिख रहे NH3 ये NH3 plus Cl वो प्रोटोन को कहां से लेकर आ रहे, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो कुल मिलाकर जो A है, A का ClCl हटाकर NH2 NH2 लगाया जाए, फिर उस पर NaOH लगाया जाए, क्लियर ना। तो वो NaOH तो मेरी ओपिनियन बोलती है कि कहीं ना कहीं NH2 NH2 वैसे तो पुअर लिविंग ग्रुप है ही, अगर मेरे पास CH3 NH2 हो और इस NH2 को हटाने के लिए अगर मैं NaOH लेकर आऊं
जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन के बिहाफ पर हम आकाश के सॉल्यूशन को थोड़ा बहुत करेक्ट मान सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को क्या कर देगा, वहां से रिलीज करने की कोशिश करेगा, और वीक बेस आपके पास कौन हो जाएगा, CH2 का होल 4 NH2 NH2। ठीक है जी, ये हुआ आपके पास टेट्रा मिथाइलिन डायमाइन, और ऑप्शन कोई इसमें सेट बैठ नहीं रहा था, थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन ये नहीं हुआ, और चार क्वेश्चन आकाश वालों के पास थे नहीं। अब चलते हैं जी हम जिसके अंदर हमें इंटीजर में न्यूमेरिकल वैल्यू के आंसर देने हैं। लो जी, और अगर मैं इन्हीं को दो तीन इंस्टीट्यूट में और देखूं तो वो क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को T99.9 को और T50% को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डालकर देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये मेरे पास केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन हुआ, हमें पता है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K है। ठीक हो गया। अब मुझे T99.9 देखना है, तो यहां लिखा मैंने 2.303, यहां लिखा मैंने K, यहां लोगेरिथम, इनिशियल 100, बचा 0.1। तो इस पूरे को सोल्व करके लोग हजार से क्या बन जाएगा, लोग 3, लोग हजार से क्या बन जाएगा 3, 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय के। और अगर आप इसको थोड़ा सा जानते हैं कि सोल्व कैसे हुआ था, 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू 0.3010, तो 0.3 से जो 3 है ये 10 गुना है। तो सीधी सी बात है, यहां 10 लिखोगे तो आपका आंसर परफेक्टली मैच कर जाएगा। लो जी, अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये लो, आसान सा क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें वो आपसे डिस्कशन कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखना क्या कह रहा है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक हो गया, यहां लिखेगा वो मास, और मास ऑलरेडी हमें ग्राम्स में दिया हुआ है। ठीक है जी, यहां मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में हो तो यहां 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी हमें कितनी फाइंड करनी है, 3, इतनी हमें चाहिए चाहिए। मोलिकुलर वेट 40 है, मास 84 ग्राम्स बाय डिफॉल्ट उसने ले रखा है, तो क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम पूछा हुआ है मिलीलीटर में, तो इसको 1000 रहने देते हैं। यहां वॉल्यूम को अननोन कर लेते हैं, तो ये एक जीरो इस एक जीरो से चला गया, इस 4 से 25 हो गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 84 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आई थिंक 29 की टेबल में आ जाएगा ये, तो 29 इंटू 25 ये वॉल्यूम हुआ आपके पास, और अगर ये 25 हो तो 625 के आसपास होता है, तो अप्रोक्सीमेट ये 700 ml, अप्रोक्सीमेट यानी 0.7 लीटर के आसपास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पिछले पेपर में भी था, मतलब शिफ्ट वन वाले पेपर में भी था, नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गिवन फॉलोइंग, ये नॉन पोलर हो नहीं सकता, नॉन पोलर, पोलर पोलर, ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये वाले 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे आपके पोलर पोलर। कैसे पता चलता है, उसके लिए एक लेक्चर लगाना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट का, कमेंट बॉक्स में जाकर बोल दीजिएगा सर डाइपोल मोमेंट का एक लेक्चर हमें समझा दो, तो मैं डाइपोल मोमेंट पे एक लेक्चर आपको बनाकर दे दूंगा, जिसमें आपको ऐसे सारे क्वेश्चन धनाधन सोल्व हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास तरीके से सोल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया, हाइड्रोजन डायटमिक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, इफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द पाश्चन सीरीज, एक बार फिर नोट्स पढ़ें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और ये तो नीट का भी पार्ट बनने वाला अच्छा खासा, 1/λ, यहां r z स्क्वायर,
वन बाय एन वन स्क्वायर, वन बाय एन टू स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम तो इसका काम खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम तो इसका काम खत्म हो जाएगा। अगर आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो ई इनवर्सली टू लैम्डा, अगर लैम्डा आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट तो एनर्जी आपके पास क्या होएगा लीस्ट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी क्या होगी आपके पास लीस्ट। और पाश्चन सीरीज है लाइमन बाल्मर देन पाश्चन, और पाश्चन का एन इज इक्वल टू क्या होता है थ्री, और एनर्जी लीस्ट चाहिए तो बिल्कुल पड़ोस का शेल की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरे पास जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो वन बाई लैमडा यहां आ गया, आर अपनी जगह फिक्स है, यहां मेरे पास नाइन हो गया, ये मेरे पास 16 हो गया। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि पाश्चन सीरीज में हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मेरे पास ये वैल्यू अल्फा बाय 7 बाय आर है, अल्फा डिवाइड बाय 7 आर है, तो पहले इसको सोल्व कर ले, ये 1 अपॉन लैम्डा रहने देते हैं, ये 144 हो गया, 16 में से 9 सबट्रैक्ट होंगे 7 आ जाएगा, और इसके साथ आर का मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, और लॉन्गेस्ट, अब मैं इस लैम्डा को अगर लिख दूं, इस लैम्डा को 144 बाय 7 हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 144 बाय 7 आर हो जाएगा, इसको मैं अल्फा बाय 7 आर के बराबर रख दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 144 मेरे पास एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 24। अब बढ़ते हैं जी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंपाउंड्स गिवन बिलो हैव कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कितनों में कायरल कार्बन अभी इसमें है, करंटली है, ठीक है, हाउ मेनी कायरल। अब देखो इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हमें एक sp3 हाइब्रिड कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, एटम की रिक्वायरमेंट होगी, फिर वहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाथ ट्रेस करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाथ ट्रेस करना। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाथ सेम ट्रेस हो जाए तो वो भाई साहब तो अकायरल हो जाएंगे, और अगर अलग अलग ट्रेस हो जाए तो वो फिर कंपाउंड का कार्बन या एटम क्या हो जाएगा कायरल। तो पहले में यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ट्रेस अलग अलग हो रहा है तो ये कार्बन कायरल हो गया, ये नहीं हो पाएगा। इसमें इधर इथाइल एच ऑन, ये इथाइल इथाइल ने सारा का सारा कबाड़ा कर दिया, ये भी नहीं हो पाएगा। इथाइल है COOH है OH है H है, क्लियर, लैक्टिक एसिड का फर्दर होमोलोगस है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर ऐसे जो कायरल हो गए हैं। 26वां क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, दो क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमें मिल चुके, दूसरा मतलब ये आ गया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। अगर वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट 6.6 ईवी है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता ही क्या होता है, एच न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने, क्लियर, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज एक्स इंटू, तो ये 6.6 × 10⁻¹⁹ जूल लिख दिया गया। यहां से H की वैल्यू का सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं, क्लियर, वो डिवाइड क्या होएगा 6.6 × 10⁻¹⁴ जूल इंटू सेकेंड, तो सिर्फ क्या बचा न्यू नॉट, और न्यू नॉट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये कैंसिलेशन पे गया 1.6 × 10⁻¹⁹ प्लस 34, 1.6 × 10⁻¹⁹ जो इनका डिफरेंस है 10⁻¹⁵, ठीक होगी बात। अब इसको लिखूं तो 16 × 10⁻¹⁵, इसको बढ़ा दूं, इसको घटा दूं 14, तो ये जो x है ये एग्जैक्टली किसके बराबर जाके मैच कर जाएगा, 16 के बराबर जाकर मैच कर जाएगा। ठीक है जी, लो जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय t × 10⁻²⁻²⁺ वोल्ट। हमें t निकालना है कि t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। इस क्वेश्चन को देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इसके अंदर हमें पीएच दी हुई है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले फॉर्मूले पे फोकस कर लेते हैं, फिर सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। देखो सबसे पहले उसने क्या कहा हमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी बात बोले, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ई सेल, फिर हमारे पास है ई सेल नोट, ये -0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉगरिथम। अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं तो 2H प्लस चेंज टू H2 होएगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं तो H2 चेंज टू 2H प्लस होएगा। फर्क उससे पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। मैग्नीट्यूड की बात कर दी थी उसने, तो हम भी उससे अफेक्टेड ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2H प्लस करेंगे, यानी H प्लस का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो फिर अब मैं आकाश इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकता हूं। ये ई सेल 0-0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग H प्लस का स्क्वायर आया। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर एग्जैक्टली 18 मैच करता है। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पीडी, देखो बड़ा सिंपल सा ट्रिकी सा आंसर है इसका। जब आपके पास पीडी होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 4d10 5s0 है, एक्सेप्शन केस है 46 वाला। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपसे पीडी प्लस टू है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये 4d, ठीक है जी। यहां इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो 4d10 5s0 हो रखा है। तो जब आप इसको यहां 8 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। यहां क्या लिखा, पीडी प्लस टू। अमोनिया क्लोराइड लिगेंड्स बिहेव एज SFL, तो अकेले अमोनिया की बात कर ले। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी मैं ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर फिफ्थ में और सिक्स में जाऊंगा 4D और 5D सीरीज में, तो मेरे लिए ऑलवेज इनर ऑर्बिटल अगर खाली पड़ा हो तो मैं हाइब्रिडेशन में उसको यूज करने वाला हूं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो अमोनिया की वजह से पेयर हो गए, या पीडी की वजह से हो गए क्योंकि एनजी बढ़ चुका है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो जीरो आएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन एटॉमिक नंबर हैव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कितना पप्पू सा क्वेश्चन है। देखो ये 56 बेरियम है, 56 के बाद 57 लेंथेनम है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको चाहिए ओनली कि मुझे नोबेल गैस के नाम और नंबर दो, दो है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 86 है, और फाइनली 118 यूयूओ अनन ऑक्टियम, उनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, जीरो। अब आपके पास एक क्वेश्चन है ये वाला एनिलीन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हम यहां फाइंड कर लेते। ये मेरे पास C6H5NH2 है, इज रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आपके पास एसिटाइलेटिंग रिएजेंट है, ये आपके पास एक एसिटाइलेटिंग रिएजेंट है। फिर इससे एसिट एनिलाइड बन गया, ये एसिट एनिलाइड बन गया, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2m, वो m ग्राम्स बना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें बताना है। इसका MW93 है, तो अगर MW93 है तो साफ सी बात है 9.3 डिवाइडेड बाय 93, इसका 0.1 मोल, तो 1 गिव्स 1, तो इसका भी 0.1 मोल ही आएगा, ठीक है जी। अब इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम यहां चल पड़ते हैं जी। 0.1 गिव्स 0.1, उसका मॉलिक्यूलर वेट 135 है, तो 13.5 ग्राम्स ऑफ द एसिड एनलाइड मिल रहा है। इनटू 2 करके आपने आंसर छापना है, वो आपके पास 27 है। तो ये हमारे क्वेश्चंस सोल्व हो गए, इवनिंग शिफ्ट का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। तो मैं अब आपको इंस्टीट्यूट बदलकर दे रहा हूं, सेम 40 मिनट में पुराना हुआ था, 40 मिनट में ये हुआ। अब देखते हैं जी कौन से क्वेश्चन कॉमन थे और कौन से अलग थे, ठीक है। देखो जी इस क्वेश्चन को, ये मैंने रिलायबल का पेपर उठाया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था, इसको इसने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन का स्टाइल बदल दिया ना,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, और वहां उसने उसको इंटीजर में बदल दिया था, और इंटीजर में बदलकर हमें समझ में क्या आया था कि उसका 10 आंसर आया था। उसके बाद उसने पूछा नंबर ऑफ नॉन पोलर, ठीक, तो यहां मेरे को एक तो मिला हाइड्रोजन, एक मिला मीथेन, एक मिला BF3 और एक मिला CO2। आकाश के पेपर में थोड़े से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम थे, BF3, मीथेन, हाइड्रोजन, CO2, ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, तो चार यहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। ये क्वेश्चन सेम है, 0.7 लीटर आंसर आया हुआ था, ये क्वेश्चन वहां मिसिंग था, आकाश के पेपर में मिसिंग था और इनकरेक्ट बताना था। हैबर प्रोसेस में आपको पता है आयरन रहता है, कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम रहता है प्रमोटर, तो ये ठीक है बिल्कुल। पॉलीथीन थोड़ा सा यहां अगर आप सिलेबस से बाहर जाना चाहें तो पॉलीमर चैप्टर से एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, जबकि सिलेबस में है नहीं चैप्टर। वोकस प्रोसेस भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप नॉन मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए फिर। और वैसे यहां जो यूज होता है हम यूज करते हैं PDCl2, इसलिए लिखा PTCl2, और फोटोग्राफी में तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से AGBR था ही, आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर अगर हल्का फुल्का वो कर, लेकिन मुझे कहीं याद आ रहा है कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करते हैं तो वोकर प्रोसेस के बारे में PDCl2 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली मुझे लाइन याद नहीं आ रही, लेकिन है कहीं ना कहीं, तो आप इसको यू नहीं मान सकते कि सिलेबस से बाहर बात हो गई है। तो ये आकाश वाले पेपर में मिसिंग था, ये भी आकाश वाले पेपर में मिसिंग था, जो बच्चों ने उनको दिया नहीं होगा। ये PBS है जी, ओजोन से रिएक्शन हुआ, सामने PbSO4 बन गया और ऑक्सीजन निकल गया, यहां कितने OI 4, तो यहां 4 ही मोल मुझे यूज करने पड़ेंगे। अब उसने कहा 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 4 मोल एक्स मोल ओजोन से यूज हुआ, लिबरेटेड द, तो 4 मोल ये लिबरेट करेगा, जिसको वाई मोल ऑफ O2 बोलेंगे और एक्स मोल ऑफ ओजोन बोलेंगे, दोनों का जब सम करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन वहां था, प्लेटिनम की जगह पैलेडियम लिखा था उन्होंने, ठीक है। प्लेटिनम के केस में तो क्वेश्चन बिल्कुल ओपनली स्मूथली हमें आंसर में दे गया कि प्लेटिनम जब भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर में हो और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होएगा और हाइब्रिड स्टेट भी DSP2 ही होगी। ये मुझे याद आ रहा है, हल्का फुल्का मिलता जुलता क्वेश्चन था आकाश के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ Cl+4 इज फेवर्ड बाय इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल ठीक बात है ये तो बिल्कुल। और Cl+4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका E0+1.74 वोल्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्वेश्चन सेम पड़ा हुआ है कि कौन नहीं बिहेव कर रहा, नाइट्राइड है। क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर इज, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो चेंज विद टेम्परेचर की बात की है तो मोलैरिटी आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये PH3 था और उसने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हुआ था, तो यहां भी क्वेश्चन लगभग सेम सा ही है, तो इसमें ज्यादा बोधर करने की बात नहीं। 11वां क्वेश्चन D2SP3, ये क्वेश्चन भी मैच कर गया हमारा। और इसके बाद D2SP3 क्या मर्जिंग कर गया क्वेश्चन की, ठीक हो गया। 12वां क्वेश्चन है, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। डेल्टा एच दे रखा है जहां मैंने आपको बोला था किलो जूल में होगा, या थोड़ा डेटा अलग था आकाश वालों का, डेटा अलग था। लोग के पूछा उन्होंने 1/K पूछा, तो डेटा सेट करा के आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऑक्सीजन शोज -2, ये वाली बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। +4 और +6 और लिखा था उन्होंने, और मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, वेयर इज दैट ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, वहां अलग था, वहां लिखा गया था +4 + 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है दोनों। इन्होंने कहा +4 की बढ़ रही है और +4 की डिक्रीज कर रही है, उल्टा हो गया, और यहां 6 की बढ़ रही है तो गलत बात हो गई है। तो Statement 1 and Statement 2 आर इनकरेक्ट, क्योंकि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली कह रहा है तो गलत हो गया। थोड़ा बहुत चेंज है पेपर में, जब तक NTA रिलीज नहीं करता, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बोल चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट है, इस पर नहीं जाना हमें। नोबेल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी बात हो चुकी थी, स्ट्रोंशियम +2 का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 38 में से 2 जाएंगे 36 आएगा, जबकि हमें यहां सीजियम दिखेगा 58 लैंथेनम तक आ जाएगा ये, और लैंथेनम में 2 घटेंगे तो एक ही बात है, स्ट्रोंशियम और सीजियम ये 55 नंबर पे बच्चे,
ये भी इस टाइप का क्वेश्चन में मिसिंग था, ठीक है। ये आपका सेकेंड डे का मेंबर है और ये आपका फर्स्ट डे का मेंबर है, इसका एक दो इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो Ng आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो ये नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा। D10 कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी कर चुके हम लोग, फिनोलिक ग्रुप के लिए आप थेलीन टेस्ट डाई टेस्ट आपको पता ही है, ये इथर का क्वेश्चन था, ये दोनों में कॉमन है, ये क्वेश्चन वहां नहीं था, ये क्वेश्चन वहां नहीं था जिसमें उन्होंने मैच द कॉलम कह रखा है। मैच द कॉलम में ये रिमल्टीमान रिएक्शन है, ये रिमल्टीमान रिएक्शन हुई, ठीक है। तो रिमल्टीमान रिएक्शन से बनता क्या है जी, बेंज एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म है बच्चे, सेलिसिल एल्डिहाइड, तो पी के साथ क्या मैच करेगा, सेकंड मैच करेगा। अब Na2Cr2O7 अगर आप मेरे नोट्स में झांकोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिख जाएगा जिसमें ये बेंजो क्विनोन या क्विनोन में बदलता है, तो क्यू के साथ वन मैच करवाएंगे, उसके बाद ये फिनोल है, ये NaOH और मिथाइल क्लोराइड दे रखा है, तो यहां सबसे पहले Na आ जाएगा, Na हटकर मिथाइल आ जाएगा, एक एनिसोल बनेगा, तो इसका आंसर फोर्थ है। तो बिना सोचे समझे कोल्ब्स रिएक्शन करवाकर सैलिसिलिक एसिड आप बनवा दोगे, इसका आंसर थर्ड है, 2143 इसका एग्जैक्टली आंसर मैच कर जाएगा, 2143 इसका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक हो गया। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता आपको पता ही है, याद करो SN1 कोन नहीं दे रहा जहां डबल बोन करेक्टर आ गया था, सेकंड होमोलोगस मैंने कहा था इतने आसान क्वेश्चन है तो बिल्कुल पप्पू पने पे चले गए हम लोग। एसिडिक एसिड इसका आंसर था हमारे पास, ये हमारा स्टाइरीन था, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और ये एनिलीन वाला क्वेश्चन जिसमें ठीक है बिल्कुल डन है, ये भी हो गया था हमारा। बस एक बात हो रहा है कि यहां उन्होंने पूछा एक्स है तो 10x बताओ, वहां शायद उसने क्या रखा था 2x बताओ, तो बच्चा भूल जाता है कई बार कि पेपर में क्या आया था, लेकिन क्वेश्चन का स्टाइल सेम था, रेजोनेंस वाला बोल ही दिया था आपको, ये रेजोनेंस जहां तक मुझे याद आ रहा है एसिडिक एसिड डाला था आकाश वालों ने एसिडिक एसिड डाला था, जबकि यहां इसने क्या रहा है एक्रोलीन डाला हुआ है, तो जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है वो स्टेबल ज्यादा होगा। इन दोनों का लड़ाई झगड़ा करवाया गया, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, ओपे प्लस है, इसका भी इनकम्प्लीट है, इसका भी इनकम्प्लीट है, तो ओपे प्लस होना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आंसर मेरे पास 1 2 3 आ जाएगा। अगर आपने रेजोनेंस के सारे रूल्स मेरे पढ़े हुए केमिस्ट्री वाले सर मनोज कुमार बंसल के, तो हार मानने वाले कहीं नहीं है। स्ट्रीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल, वो मैंने बताया था IIT वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। करेल सेंटर, तो ये भी ठीक था, ये भी ये मैंने करवा दिया आपको, ये भी वहां था। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, लो जी ये फिर एक पप्पू क्वेश्चन आ गया। अगर आप 11वीं क्लास के NCERT पढ़ते हैं उसमें जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसके स्टार्ट के 4-6 पन्नों के अंदर इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन पूछा हुआ है। CH OH, ये आपके पास CN, ठीक है जी, तो एक कार्बन पर 2 CN, एक OH, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन तो आप समझ ही गए होंगे इसका। लो जी, इसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स शुरू कर दिए, तो इसका मतलब इनके पास काम खत्म हो गया है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन कॉमन नहीं थे। अब हम वेदांतु की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली फिर हम लोग चैतन्या की तरफ बढ़ेंगे, अभी हम रिलायबल कर रहे थे। लो जी, वेदांतु खुल गया, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा, आंसर याद हो गया होगा आपको, याद करो वहां था नाइट्राइड, इन्होंने इसको बदल के कर दिया एजाइड, चलो ठीक है, बच्चे ने बताया इन्होंने कर दिया। टेम्परेचर के साथ में कौन बदलता है, मोलैरिटी, ठीक हो गया। फिनोलिक का टेस्ट करने का तरीका, थलीन टेस्ट, ठीक हो गया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाशन सीरीज, ये मिसिंग था, नंबर 2 हमने कौन सा किया था, रिलायबल, वहां ही क्वेश्चन मिसिंग था, ठीक हो गया। 144 आकाश वालों के यहां था, ये दोनों जगह था, केमिकल करंट इसका, ये भी दोनों जगह था। Cm+4 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मॉडल बदलते जा रहे हैं क्वेश्चंस के ना, जैसा बच्चे को याद रहा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। और उसके बाद SN1, ये क्वेश्चन ही लिखने में ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गए वेदांतु वाले, अभी फॉर्म में आ रहे हैं लोग, है ना, चलो कोई बात नहीं। C2H6 लो, नहीं बात ये दोनों जगह नहीं था, ना ये था आकाश में, ना ये था रिलायबल में, वेदांतु में दिख रहा है। C2H6 न्यूमैन प्रोजेक्शन फाइंड द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनवैलिड कन्फर्मर बनेगी, बिल्कुल बनेगी जी। इसके लिए आपको अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हो तो आपको ये दिख जाएगा, कहां जाकर
कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हो तो कहां जाकर दिख जाएगा ये, या आपको अलग से आइसोमरिज्म करवाते हैं टीचर स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो एल्केन चैप्टर के शुरू के पेजेस में दिख जाएगा। इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर है, बिल्कुल है जी। इंटरकन्वर्टिबल है, हाँ जी बिल्कुल है जी। डाइहेड्रल एंगल अगर 180 डिग्री पे आएगा, तो अगर इथेन है चलो इथेन में तो 60 डिग्री पे इसका नया फॉर्म जो बन जाता है वो एग्जैक्टली जैसे 60 डिग्री है तो इक्लिप्स से स्टैगर्ड पे आ जाते हो आप, और इक्लिप्स मोर स्टेबल है, ये बात बिल्कुल गलत हो गई है। तो नया क्वेश्चन मिला लेकिन पुराना ही था फिर भी, कि 4+4 8 वाला क्वेश्चन है, पीबीएस का रिएक्शन कराना हो जो उनसे कौन इंटरेक्ट रहता है प्रोटीन में प्राइमरी, ठीक हो गया। सेकंड होमोलोगस, ये तीनों जगह आ गया क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये रहा होगा पक्का ना, और ये भी तीनों जगह आ गया क्वेश्चन, स्टीम स्टीम डिस्टिलेशन वाला और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला भी सब जगह कॉमन रहा क्वेश्चन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन भी कॉमन रहा, उसमें PF3 नया घुस गया आकर, HF पोलर हो गया, पोलर हो गया SO2, अमोनिया पोलर, PF3 पोलर, क्लोरोफॉर्म पोलर, SO2 पोलर, मीथेन नॉन पोलर, और नॉन पोलर पूछ रहा भाई साहब एक ही तो स्ट्रक्चर है नॉन पोलर, ये दो क्यों लिख रहा है, और CO2 है कहां इस ऑप्शन में, ये CO2 SO2 हो सकता है, ये लिख मुझे लगता है खाए पिए में लिख देते हैं लोग, ये CO2 है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन कॉमन चल रहा है, ये कोई नया ही कंपाउंड है BrF2-। हाउ मेनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन Fe+2, यहां भी ऑप्शन बदले हुए, तो एक SR+2 है जो सेकंड डे का मेंबर है, इसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला कॉमन क्वेश्चन चल रहा है, यहां इन्होंने लो ये कुछ अलग ही डायरेक्शन लिखे, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड इन दिस केस, तो मेरा आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पकड़ो बस आप ना, कोई लोग 1/k पूछ रहा है, कोई लोग के पूछ रहा है, हाँ कोई ईएमएफ ही पूछ रहा है, तो ईएमएफ के तो फॉर्मूले ही बड़े आसान है। जैसे ही इसने क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल में बोलता हूं रिड्यूस वाला माइनस का साइन लगा दिया करो, 0.0591 pH लिखी है, सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। कारेल वाला तीनों में कॉमन चल रहा था क्वेश्चन, ठीक है जी, और ये भी कॉमन क्वेश्चन था सब जगह, 700 ml वाला 0.7। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स शुरू हो गई है। अब लास्ट एंड फाइनल गेम खेलते हैं, किसके साथ बचा आपका चितन्या, ठीक है। लो जी चितन्या का केमिस्ट्री का पेपर 27th of January 2024 केमिस्ट्री वाले सर के साथ आप सोल्व कर रहे हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग D2SP3, तो कॉमन सा बात है, जहां चार कोऑर्डिनेशन नंबर है वहां तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते, लिखने में फिर ये गलतियां करते हैं, सीएल बाहर आएगा। चलो कुल मिलाकर D2SP3, और देखो आंसर पे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, चितन्या वाले ऐसा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं, चितन्या वाले आंसर SF6 दे रहे हैं, SP3D2 चाहिए, आंसर बनेगा डी इसका, कौन डीनेचुरेट नहीं हो रहा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही तो आपने, ये क्या कर रहे हैं, विच राइबोप्रोटीन कैन नॉट बी डीनेचर्ड, ओ भाई क्या कर रहा है चितन्या, चितन्या वालो भाई साहब आंसर देखो क्या लिख रहे हो, डी ऐसा मत करो यार, प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिनोलिक ग्रुप को पहचानना हो तो थेलीन डाइटेस्ट, ठीक है ये इनकरेक्ट, करेक्ट वाली बात आपको पता चल गई होगी, वोकर प्रोसेस में पीटी, वहां पीडी एक्चुअल में होता है, ये आकाश में था बाकी सब जगह मिसिंग था, है ना, तो एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला फिर NaOH डाला, तो ये क्या ब्लंडर कर रहे हैं, ये कुछ उस तरफ ही निकल गए, अच्छा ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए, तो मेरे को शक हो रहा था ना क्वेश्चन पे, अगर आप समझ पा रहे हो, याद है केमिस्ट्री वाले सर गलत नहीं होते हैं, केमिस्ट्री वाले सर गलत नहीं होते हैं, ठीक होगी बात, तब हुआ क्या, वो कह रहा जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं इसको लेके चलता हूं, एक्सेस ऑफ अमोनिया से क्या हुआ, CLCL हटके दोनों तरफ NH2 आ जाएगा, फिर जो NaOH है वो रिएक्शन को कहीं ना कहीं किस तरफ लेके जा रहा है, कि हम अगर हीटिंग वीटिंग करवा दें तो अमोनिया के रिमूवल से, क्योंकि वो वीक बेस की रिकवरी करवाता है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, तो जब तक NTA इस क्वेश्चन को क्लियरली हमें नहीं देता, भाई मैं इस पर रिस्क लेने वाला नहीं हूं। आकाश वालों तुम भी देख के काम करना, और चैतन्य वालों तुमने तो ऊपर के दो क्वेश्चन ही गलत कर दिए थे, क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर, चेंज विद टेम्परेचर, मोलैरिटी बिल्कुल ठीक है, कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां इसने नाइट्राइडी लिखा है, इससे पहले वेदांतु वालों ने जाइडी कर दिया था उसको, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द थेलीन टेस्ट, ठीक हो गया, प्रोडक्ट फॉर द ब्लो रिएक्शन, लो जी
तो ये पिछले दो पेपर में मिसिंग था, आकाश वालों की ये था, और ये कुछ ओली टोन पे निकल गया। चैतन्य वाले तुमने गड़बड़ किया भाई, बहुत ज्यादा ब्लंडर। तो मैं तुम थंबनेल में तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ, ब्लंडर ऑफ द चैतन्य। बड़ी भयंकर वाली गड़बड़ की तुमने तो थोड़ा कवर कर लेते भाई साहब आपका। अगर मैं पहला पेज दिखाऊं, ये वाला दिखा दूं, तो विश्वास नहीं हो रहा कि हरकतें आप कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, फिनोल पर ये रिएक्शन और किस बिहाफ पे लिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रही बात। प्रोडक्ट फॉर द बिलो रिएक्शन, विच बिलो रिएक्शन, चलो भी रहने दो, क्या करें। ये क्वेश्चन आप समझ तो गए होगे वैसे कौन सा। एक तरफ उसने साइक्लोहेक्साइल जोड़ा हुआ था, ओ जोड़ा हुआ था, टर्शियरी ब्यूटाइल जोड़ा था, एचआई दिया था, कोल्ड कंडीशन थी, आकाश में था, पीछे वेदांतु में, और उसे मिसिंग था रिलायबल में। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल ढूंढ रहा है। तो मैंने आपको बताया था नॉन पोलर में यहां किसी का दो आंसर आ रहा है, किसी का तीन आ रहा है। भाई साहब क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक दूसरे के मैच करा लो, लड़ाई कर रहे हो आपस में। ये आपके पास नॉन पोलर CO2 नॉन पोलर, BF3 नॉन पोलर और मिथेन नॉन पोलर, तीन हो गए। क्वेश्चन बदल दो, अगर करेल सेंटर वाला सबका कॉमन क्वेश्चन चल रहा था, डिटेंडर सबका कॉमन क्वेश्चन चल रहा था, स्टीम वोलेटिलिटी वाला सबका कॉमन क्वेश्चन चल रहा था, हाँ ये भी सबका कॉमन क्वेश्चन था, 10 आंसर आया इसका। SN1 वाला सबका कॉमन क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन पीछे आप रिलायबल में करके आए, वो कॉमन क्वेश्चन था, और बॉन्ड फॉर्मने में रिप्रेजेंटेशन ही सबका कॉमन क्वेश्चन चल रहा है, आकाश में नहीं था वैसे इस क्वेश्चन को। लो जी मैथ्स दे गए ये। तो भाई सबसे जो मेरे को चारों में ब्लंडर पेपर लगा वो लगा चैतन्य वालों का, तो चैतन्य वालों सुधार लो इस बात को। मैंने अपनी वीडियो में सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, अब इसको देखना, उसके बाद समझना कि NCERT से बाहर कोई भी चीज नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही। अगर आप चाहोगे तो NTA जैसे ही पेपर रिलीज करता है केमिस्ट्री वाले सर, आपको NCERT के पेज का नंबर और पेज की लाइन तक बता देंगे। तो प्लीज 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 काम करें, मेहनत के साथ करें, किताब उठा लें, तभी सक्सेसफुल है। आता हूं, आज 28 तारीख है, दो पेपर हो रहे हैं, अभी 12 बजे हुए, एक पेपर लगभग खत्म होने वाला होगा, दूसरा शाम तक आएगा। शाम तक मैं पहले पेपर के सॉल्यूशन तो डाल ही दूंगा। थैंक यू।